Hey guys, welcome back to my channel Beauty Lies Within. I hope you all are doing great. आज मैं अपने चैनल पे करूंगी क्राइलॉन के सुप्रा कलर पैलेट का रिव्यू. काफी इन डेप्थ रिव्यू होगा ये, सो मेक श्योर यू वॉच टिल द एंड एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. सो दिस इज द आउटर पैकेजिंग और इसका MRP है 2,850 rupees. टोटल इसमें आपको 12 शेड मिल जाएंगे और इसमें जो टोटल प्रोडक्ट है वो 40 ml है, यानी एक एक पैन अगर फाउंडेशन का मैं देखूँ तो 3.33 ml फाउंडेशन उसमें आपको मिल जाएगा. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक फ्रॉम इनसाइड. सो दीज आर द 12 शेड्स और हर एक शेड के ऊपर आपको इस तरह से प्लास्टिक कैप मिलता है, जैसा कि आप इस वाले पैन में देख सकते हैं. बाकियों का मैंने निकाल दिया है क्योंकि मुझे स्वॉचेस करने थे. इस तरह से आप किसी भी पैन को इसमें से रिमूव करके यूज़ कर सकते हो, विच इज़ रियली गुड. आई थिंक इसके नीचे मैग्नेट तो नहीं है, लेकिन ऐसा जो है बैक साइड में कुछ स्ट्रक्चर इसका है जिससे आप इसे जो है पैन में फिट कर सकते हो. सो दिस इज हाउ सिंगल पैन लुक लाइक और ये जो है शेड नंबर 40 है. आप देख सकते हैं ये प्लास्टिक कैप जो है काफ़ी पतले मटेरियल का बना हुआ है. सो जब आप इसे खोलते हो तभी भी आपको बहुत ही ध्यान से खोलना है, क्योंकि प्लास्टिक मटेरियल है तो इजीली बेंड हो रहा है और फाउंडेशन में जो है डेंट भी आ सकते हैं. आप देख सकते हैं काफ़ी सारे डेंट इसमें ऑलरेडी पड़ भी चुके हैं. एंड व्हेन यू क्लोज इट यू रियली नीड टू बी वेरी केयरफुल. अगर आपने ज़ोर से दबा दिया तो फाउंडेशन में डेंट आ जाएंगे. सो ओवरऑल इसकी जो पैकेजिंग है वो काफ़ी अच्छी है, खास करके जो मेटल केस है इसमें जो पैन है आपके काफ़ी सिक्योर्ड होते हैं. इवन इफ़ यू टर्न इट डाउन इसमें से पैन जो है गिरने नहीं वाला, बहुत अच्छी तरह से फिट हो गया है. बस एक इसका जो प्लास्टिक कैप है वो मुझे पसंद नहीं आया, क्योंकि फाउंडेशन मेरे काफ़ी हद तक जो है डेंट फाउंडेशन में मेरे आ चुके हैं. नाउ दिस इज़ नॉट दी ओनली सुप्रा कलर पैलेट. ऐसे ही 4-5 और सुप्रा कलर के पैलेट अवेलेबल हैं जिसमें फाउंडेशन के जो शेड है वो काफ़ी डिफरेंट है अकॉर्डिंग टू द कस्टमर्स नीड. सो डेफिनेटली यू कैन चूज़ फ्रॉम अ वेरी वाइड वराइटी. अब अगर आपको ऐसा है कि भाई मुझे सिर्फ एक सिंगल कलर ट्राई करना है, तो आप ऐसे सिंगल रिफिल पैन भी ले सकते हो फॉर योर सेल्फ. और अगर आपको है कि भाई 12 शेड्स बहुत ज़्यादा हैं, तो फिर 6 शेड्स का भी पैलेट आपको मिल जाएगा. और अगर इतने से भी आपका काम नहीं होता है तो 24 शेड का भी पैलेट अवेलेबल है सुप्रा कलर में. सो यू कैन डेफिनेटली कस्टमाइज अकॉर्डिंग टू योर नीड. नाउ इफ़ यू टेल मी कि इसमें से कोई एक पर्टिकुलर पैन अगर आपको नहीं चाहिए था, वो रिप्लेस करके आपको इसमें दूसरा कुछ पैन अगर चाहिए, तो वो आपको नहीं मिलेगा. जो पैलेट में जितने पैन हैं वही पैन आपको मिलते हैं. तो मेरे लिए ये परफेक्ट पैलेट है क्योंकि इसमें वार्म और न्यूट्रल दोनों ही अंडरटोन की फाउंडेशन है, और लाइट, मीडियम, डार्क तीनों ही स्किन कॉम्प्लेक्शन के लिए काफ़ी सूटेबल शेड्स इसमें अवेलेबल हैं. तो यहाँ पर जो शेड्स हैं आपको मिलेंगे शेड नंबर 22 से लेकर 28, फिर 36, 38, 40, 45, और ये जितने भी शेड्स मैंने अभी कहे वो FS रेंज की है. उसके बाद NG रेंज का सिर्फ एक शेड है, दैट इज़ NG1. तो यहाँ पर केस पे भी जो है सारे शेड जो है लिखे हुए हैं, और पैन के पीछे भी शेड लिखे हुए हैं. लेट मी शो यू, ये है शेड नंबर FS22. आई हैव ऑल्सो बॉट अ ब्लैक कलर सुप्रा कलर रिफिल पैन विच आई एम गोइंग टू यूज़ एज अ आई शेडो बेस. इनफैक्ट मैंने आज यूज़ किया भी है और काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हुआ है. जनरली जेल लाइनर और काजल से अगर हम आई शेडो बेस क्रिएट करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि क्रीज पे अच्छी तरह से ब्लेंड नहीं होता है. अब ये क्योंकि फाउंडेशन का फॉर्मुलेशन है इसलिए ब्लेंडिंग में तो कोई दिक्कत आ ही नहीं सकती, इसीलिए मैंने ये इन्वेस्टमेंट किया. और ये सिर्फ 300 या 350 का सिंगल पैन मिलता है. सो येस, इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट इफ़ यू आर ट्राइंग टू ग्रैब वन. वैसे तो क्राइलॉन में फाउंडेशन की कई ज़्यादा रेंजेस हैं, लेकिन मैं यहाँ पर पर्टिकुलरली दो रेंज की बात करूँगी जो मेरे ख्याल से काफ़ी फेमस हैं, सुप्रा और डर्मा. तो यहाँ हम साइड बाय साइड कंपैरिजन करेंगे दोनों ही फाउंडेशन में. सुप्रा का एक 12 शेड का पैलेट आपको 2,850 का मिलेगा, डर्मा का आपको 3,500 rupees में मिलेगा. सुप्रा का जो टेक्स्चर है वो काफ़ी ड्यूई है और डर्मा का काफ़ी ड्राइंग है और काफ़ी मैट भी है. तो अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपके लिए डर्मा जो है प्रेफरेबल होगा, और अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपके लिए सुप्रा प्रेफरेबल होगा. कवरेज की मैं बात करूँ तो डर्मा से आपको हाईएस्ट कवरेज मिलेगा और सुप्रा से आपको मीडियम टू हाई कवरेज मिलेगा, बिकॉज इट इज़ बिल्डेबल.
तो ये इनके कुछ डिफरेंस है विच इज़ वेरी ऑब्वियस, और ये आपको अक्रॉस द काउंटर जो सेल्स पर्सन है वो भी आपको यही एक्सप्लेन करेगा जैसा कि मुझे एक्सप्लेन किया गया था। नाउ दिस वन इज डर्मा इन द शेड 64। आप देख सकते हैं इसका जो फॉर्मुलेशन है वो काफी ड्राई है। एंड दिस वन इज सुप्रा फाउंडेशन इन द शेड 22। आप देख सकते हैं कितना क्रीमी इसका टेक्सचर है। अब सुप्रा को ब्लेंड करना इतना इजी है आप देख सकते हैं। एंड व्हेन यू ट्राई टू ब्लेंड डर्मा इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। तो ब्लेंड होने के बाद आप देख सकते हैं सुप्रा का जो कवरेज है वो डर्मा से थोड़ा कम है। अब क्योंकि मेरी स्किन ऑयली है तो मुझे रेकमेंड किया गया है डर्मा फाउंडेशन, और मैंने दो शेड इसके लिए थे, शेड नंबर 59 और शेड नंबर 64। सो लेट मी शो यू हाउ द टेक्सचर ऑफ दिस फाउंडेशन इज। दिस वन इज सो ड्राइड डाउन कि ये पैन से ही निकल गया है। सो दिस इज द प्रॉब्लम विद डर्मा फाउंडेशन, ये बहुत ही ज़्यादा ड्राइंग है। मेरी स्किन इतनी ऑयली होने के बावजूद आई वॉज नॉट ईजिली एबल टू ब्लेंड दिस ऑन माई स्किन। तो अगर आप कभी भी डर्मा यूज़ करना चाहोगे तो आपको इसके साथ कोई फेशियल ऑयल मिक्स करना पड़ता है या मॉइस्चराइज़र मिक्स करना पड़ता है। इनफैक्ट क्रायलॉन के ही कुछ मिक्सिंग मीडियम भी है जो इसके साथ मिक्स किए जाते हैं, विच आई ट्राइड ऑल्सो, लेकिन उसको ट्राई करने के बाद मैंने देखा कि इसका जो कवरेज है वो कम हो गया, विच इज़ ऑब्वियस क्योंकि फाउंडेशन में अगर आप कोई मॉइस्चराइजिंग एजेंट ऐड करते हो तो उसका कवरेज थोड़ा सा शियर हो जाता है, यानी थोड़ा सा कवरेज उसका कम हो जाता है। एंड देन इवेंचुअली इसका जो कवरेज है वो सुप्रा के जैसा ही हो गया। सो देर वॉज नो पॉइंट इन मी बाइंग दिस फाउंडेशन, जबकि ये इसका कवरेज मुझे ज़्यादा चाहिए और मुझे ज़्यादा पैसा भी पे करना पड़ रहा है, तब मुझे लगता है कि कोई पॉइंट नहीं है ये फाउंडेशन लेने का। तो फिर मैंने डर्मा जो है डिसकंटिन्यू करके सुप्रा का पूरा पैलेट ले लिया। व्हेनेवर आई वर्क विद सुप्रा आई हैव टू बी वेरी कॉशियस, क्योंकि मेरी स्किन है तो ऑयली ही और सुप्रा है बहुत ही क्रीमी और बहुत ही ड्यूई, तो चांसेस हैं कि मेरा फेस जो है बाद में ग्रीजी हो जाए या फिर लाइंस पे क्रैक करने लगे या ऐसी सब चीज़ें होना बहुत ही कॉमन सी बात है। तो मैंने इसका जो है एक सोल्यूशन निकाला है कि मैं इसके नीचे काफ़ी ज़्यादा मैटिफाइंग प्राइमर का इस्तेमाल करती हूँ, जिससे ये फाउंडेशन जो है बहुत ही जल्दी सेट हो जाता है स्किन पर और उसके बाद क्रीजिंग वगैरह नहीं होती है। तो यस, इसका जो है मेरे पास अब सॉल्यूशन है, तो आई कैन यूज़ दिस ऑन माय स्किन। तो अपेरेंटली तो डर्मा वाज टू बी माय गो टू, बट मैं उसके साथ काम नहीं कर पाई, सो आई प्लान टू गो विद सुप्रा, जिसमें मुझे कुछ पैसे भी सेव करने मिल गए और कवरेज तो इसका भी अमेजिंग है। आप देख सकते हो मेरा जो बेस है मैंने इसी फाउंडेशन से क्रिएट किया है। इनफैक्ट मैं आपको वीडियो में बताऊंगी भी इसका जो एप्लीकेशन है वो मैं फेस पे आपको करके बताऊंगी हाउ इट फील्स ऑन माय स्किन। सो आई थिंक आपको यहाँ पर काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी व्हेन इट कम्स टू सुप्रा एंड डर्मा। नाउ लेट्स डाइव इनटू द स्वॉचेस ऑफ दिस पैलेट क्विकली। तो यहाँ पर जो मैं स्वॉचेस आपको बताऊंगी वो ये कॉर्नर से स्टार्ट करूंगी, दैट इज 22, 23, 24 एंड लाइक वाइज we will move on to the second row from left corner. Before that, I would like to show you guys how these color look like in low light condition, because that is how it looks in reality. आप देख सकते हैं फिंगर्स से भी ये काफ़ी अच्छी तरह ब्लेंड हो जाता है, यू डोंट पर्टिकुलरली नीड अ ब्रश विद दिस फाउंडेशन। और अगर आप ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करोगे तो डेफिनेटली थोड़ा प्रोडक्ट ब्यूटी ब्लेंडर अब्जॉर्ब कर लेगा, तो नेचुरल फिनिश के लिए भी आप ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ कर सकते हैं इस फाउंडेशन के साथ, और कवरेज बढ़ाना हो तो आप ब्रश की मदद से कवरेज और भी ज़्यादा बिल्ड कर सकते हैं। सो दिस इज शेड नंबर 22 एंड देन 23, 24 लाइकवाइज। आप देख सकते हैं इसमें कई जो है न्यूट्रल अंडरटोन वाले शेड भी हैं, जैसे कि ये दो और ये भी, थोड़ा सा पिंक इसमें टोन आपको दिख रहा होगा, और जिसमें येलो टोन दिख रहा है दैट इज़ वार्म अंडरटोन।
So now I'm going to try this on my face, and before that I have already moisturized my face using Pond Super Light Gel Moisturizer, and after that I have used a tinted primer from MyGlam. Now just because I have few color correcting shade also from this brand, I'm going to today use that as well. अब ये जो करेक्टर्स हैं वो डर्मा रेंज से हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि सुप्रा के तो नहीं है फॉर श्योर, और पीछे जो कोड है वो डी से है, तो मुझे लगता है ये डर्मा रेंज से है, आई एम नॉट श्योर। लेकिन फॉर्मुलेशन इसका काफ़ी ड्राई है, तो हो सकता है कि आपकी अंडर आइज पे ये काफ़ी ड्राइंग हो। इन दैट केस यू कैन यूज़ अ वेरी गुड आई क्रीम और अ मॉइस्चराइजर टू कॉम्बैट दैट सिचुएशन। और मैंने तो ऑलरेडी मॉइस्चराइजर यूज़ किया है तो इतना कोई इशू नहीं आया है, लेकिन इससे ये एक एडेड बेनिफिट है कि क्योंकि ये थोड़ा सा ड्राइंग है, इतना मूव नहीं होता अपनी जगह से, तो आपको अगेन इसे लूज सेटिंग पाउडर से सेट करने की ज़रूरत नहीं है, जो जनरली मैं करती हूँ अपने कलर करेक्टर्स के साथ। जैसे कि फॉरएवर 52 का मेरे पास जो करेक्टर है ऑरेंज वाला, जो मैं अक्सर यूज़ करती हूँ, वो तो थोड़ा सा क्रीमी है, आप देख सकते हैं। अब क्योंकि ये थोड़ा सा क्रीमी है इसीलिए आइज़ को हाइड्रेशन तो देता ही है, लेकिन क्रीजेस पड़ने के चांसेस काफ़ी हैं, और अपनी जगह से अगर ज़्यादा मूव हुआ तो हो सकता है कि थोड़ा सा फाउंडेशन के ऊपर भी ये दिखे, तो आपको काफ़ी अच्छी तरह से इसे लूज सेटिंग पाउडर से सेट करना पड़ता है। सो नाउ लेट्स ट्राई टू मैच अ शेड टू माई स्किन टोन, एंड आई थिंक शेड नंबर 45 शायद मेरे स्किन पर मैच होगा, बट स्टिल उसके आसपास के दो तीन शेड मैं अपने फेस पे स्वॉच करूंगी, एंड वी विल सी विच सूट्स द बेस्ट। ओके, दिस इज FS 45। नाउ आई विल ट्राई FS 28। आई थिंक दिस इज स्टिल फेयर, मे बी आई एम ट्राइंग 38। ये ऑल आर फेयर, बीच वाला तो थोड़ा पिंक अंडरटोन है, सो मे बी आई विल सी 36 नाउ। नाउ आई विल ट्राई 26। आई थिंक 26 इज अ परफेक्ट मैच, लुक्स लाइक। सो लेट्स प्रोसीड विद द फाउंडेशन एप्लीकेशन। And now I'm using a flat foundation brush to blend it. इससे आपको मैक्सिमम कवरेज मिलेगा, अगर आप ब्यूटी ब्लेंडर का यूज करोगे तो इतना अच्छा कवरेज नहीं मिलेगा। So far it is blending very nicely. Now for highlighting I am using FS 22, which is the lightest shade in yellow undertone, and for contouring I am using NG1. Using the same foundation brush to blend this for a seamless base. Now because it is a cream foundation, I would like to go with a damp beauty blender to absorb excess product on my face. क्योंकि excess product अगर आपके face पे रह गया और आपकी skin oily है, तो आगे जा करके आपका जो foundation है वो cakey हो सकता है, आपको ज़्यादा oil produce हो सकता है skin पर, that is something I don't want. तो I'm going with a beauty blender now. और काफी स्लाइटली आपको डैप करना है, यू डोंट वॉन्ट द फाउंडेशन टू मूव। नाउ आई एम गोइंग टू सेट माई फाउंडेशन यूजिंग डर्मा कलर फिक्सिंग पाउडर, एंड दिस वन इज इन द शेड P4। सो लेट मी कंप्लीट माई एंटायर मेकअप एंड कम बैक टू यू गाइस।
अब अगर आप एक प्रोफेशनल हो, मेकअप आर्टिस्ट हो या ब्यूटिशियन हो, तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा हर एक प्रोडक्ट पे क्राइलॉन के। आपको सिर्फ अपना विजिटिंग कार्ड या बिजनेस कार्ड उन्हें दिखाना है, कोई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। नाउ बिकॉज ऑफ द प्राइस पॉइंट, क्वालिटी एंड द शेड रेंजेस, आई लव दिस पैलेट और मैं इसे ऑयली स्किन और ड्राई स्किन दोनों पे यूज़ कर सकती हूँ। दैट इज़ अ फन फैक्ट। तो मुझे ये काफ़ी पसंद आया है और आपको भी अगर कोई इसमें से आपको कोई पैलेट वगैरह ट्राई करना है, यू कैन डेफिनेटली डू दैट फ्रॉम माय साइड, इट्स अ बिग थम्स अप। एंड ऑल्सो यू कैन यूज़ दिस पैलेट फॉर प्रोफेशनल पर्पसेज बिकॉज द क्वालिटी इज़ अमेजिंग एंड फॉर डिफरेंट क्लाइंट नीड्स यू आर नॉट गोइंग टू बाई डिफरेंट फाउंडेशंस। एक पैलेट में आपको मिल जाता है तो यूज़ करने में भी कन्वीनियंट होता है और अफोर्डेबल भी है, क्वालिटी भी अच्छी है, तो प्रोफेशनल यूज़ के लिए भी आई थिंक इट शुड बी रिकमेंडेड। With that, I would like to conclude my video. I hope you all have enjoyed watching it. If so, please like, comment and subscribe to my channel and we will see each other in my next one. Bye-bye.